अगर आप भी आम खाने के शौकीन हैं तो मैं आपके लिए लाई हूँ आम से बनने वाला एक बहुत ही क्विक डेजर्ट जो आई एम श्योर आपको भी बहुत पसंद आएगा। पर मैंने लिया है एक आम, तो काफी बड़े साइज का आम है और ये पका हुआ आम है। हम इसको छील लेंगे। तो वैसे मैं छीलने के लिए पीलर का यूज करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है इससे आम जो है बहुत जल्दी पील हो जाता है। तो आप अगर सादे चाकू का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी छील सकते हो। तो आप ध्यान रखिएगा, इस रेसिपी के लिए हमें अच्छा पका हुआ और मीठा आम का यूज करना है। तो मैंने जो आम यूज किया है वो मलिका कहलाता है यहाँ पर। अब बताइएगा कि आपके यहाँ सबसे अच्छा आम कौन सा आता है। और अब हमें इसे कट करना है। तो ये देखिए, बस सिंपल जैसे हम आम को काटते हैं वैसे ही काट लेंगे इसको। और अब हम इनको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो जो आम हमने काटा है अब हमें इसको पीसना है। इसके लिए हम इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये काफी बड़े साइज का आम था तो मैंने एक ही लिया है। अगर आप छोटे आम का यूज करें तो आप दो ले लें। और ये देखिए, मैंने थोड़ा सा आम बचा लिया है, इसको हम बाद में गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे। तो बस हम इसको पीस के इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसकी एकदम प्यूरी तैयार कर ली है। बस इसी तरह की प्यूरी तैयार करनी है। और यहाँ पर मैंने एक पैन गरम किया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी। तो ये डेजर्ट देसी घी में ही अच्छा लगता है, आप ऑयल का इस्तेमाल ना करें। घी को हम थोड़ा सा मेल्ट हो जाने देंगे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 2 टेबलस्पून कटे हुए बादाम, 2 टेबलस्पून कटे हुए काजू और 2 टेबलस्पून कटे हुए पिस्ते। और इनको धीमी आंच पे हम अच्छे से रोस्ट हो जाने देंगे। तो नट्स आप अपनी चॉइस के कोई भी डाल सकते हैं या फिर जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो आप यूज़ करें। तो ये देखें, नट्स बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। हम इनको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसको साइड में रख लेंगे। और अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1/4 कप वर्मीसेली या फिर सेमई। और इनको भी हम धीमी आंच पे बहुत अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो अगर आप भुनी हुई सेवई का यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, सेवई को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया। आप देखिए इनका कलर बदल चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। तो यहाँ मैं करीब 4 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये दूध पहले से बॉयल किया हुआ दूध है। तो आप ठंडा या गर्म दूध कैसा भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पहले से आप एक बार इसको बॉयल कर लें। और अब इस दूध को हम मीडियम फ्लेम पे करीब 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखिए, मैंने दूध को ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। और आप देखें, थोड़ा थिक भी हो गया है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप शक्कर। तो इतनी शक्कर जो है काफ़ी रहती है, अगर आपको कम लगे तो थोड़ी और डाल सकते हैं आप बाद में। और इसको भी हम बहुत अच्छे से मिला देंगे और इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे। दूध को मैंने 5 मिनट और पका लिया है। अब बस हम गैस को ऑफ कर देंगे और दूध को ठंडा होने देंगे। पर आप इसको थोड़ी देर तक अभी और चलाते रहें क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होगा इसमें मलाई आएगी ऊपर, तो उस मलाई को नहीं आने देना है हमें। इसलिए आप इसको थोड़ा थोड़ा सा चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर में और इसको पूरी तरह से ठंडा कर लें। दूध पूरी तरह ठंडा हो गया था और मैंने इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। और अब हम इसमें मिला देंगे ये मैंगो प्यूरी। तो ध्यान रखिएगा, मैंगो प्यूरी डालते समय दूध एकदम ठंडा होना चाहिए, नहीं तो कभी कभी दूध फट जाता है। प्यूरी को हम बहुत अच्छे से मिल्क में मिक्स कर देंगे। प्यूरी को मैंने मिल्क में बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम इस डेजर्ट को उठा के करीब 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे या फिर आप 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखते हैं और इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा डेजर्ट एकदम ठंडा हो गया है। और अब सबसे मज़ेदार पार्ट, हम करेंगे इसकी गार्निशिंग। तो आज यहाँ पे मैंने कोई भी एसेंस का यूज़ नहीं किया है, मतलब इलायची पाउडर या फिर वनीला या फिर किसी भी और तरह का, क्योंकि इसमें जो मैंगो का फ्लेवर है वो स्ट्रांग आना चाहिए तभी ये मज़ेदार लगता है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा अनार, मतलब तो 3 से 4 टेबलस्पून अनार के डाल दें हम। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आम जो कि हमने बचा के रखा था। इसके साथ मैं डाल रही हूँ थोड़े से सेब। तो फ्रूट्स अपनी पसंद के कोई भी डाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस पाइनएप्पल का इस्तेमाल नहीं करिएगा, मैंगो और पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन कई बार बहुत अच्छा नहीं लगता है खाने में। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ नट्स जो कि हमने फ्राई किए थे। तो थोड़े से नट्स हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। और अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका लुक जो है कस्टर्ड जैसा आ रहा है, पर लुक ज़रूर कस्टर्ड जैसा है पर टेस्ट में ये बिल्कुल डिफरेंट होता है क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड बनाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये सर्व करने के लिए तैयार है, आइए फटाफट इसे सर्व करते हैं। तो सर्व करने के लिए मैं इनको डाल रही हूँ टॉल ग्लासेस में। आप चाहो तो आइसक्रीम कप्स में भी डाल सकते हो, कांच के बोल में या फिर स्टील के बोल में भी डाल सकते हो। और बस हम इनको गार्निश कर देंगे थोड़े से बचे हुए अनार के दानों के साथ, थोड़े से चॉप किए हुए मैंगोज के साथ और फ्राइड किए हुए नट्स के साथ। तो आप ट्राई करिएगा ये डेजर्ट, सिर्फ 15 से 20 मिनट लगता है इसको बनने में और बहुत बहुत टेस्टी लगता है। और आम के सीज़न में एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो ट्राई करिएगा।